चलो अभी पानी में आग लगाएंगे हम लोग बराबर विद द हेल्प ऑफ नेल पेंट या फिर नेल पॉलिश जो भी तुम बोलो। ठीक है पूरा डाल देंगे इसमें अभी। पहले आग लगा के दिखाता फिर बाद में इसके पीछे का साइंस समझाता बराबर। मैं तो कैसे आग लग जाएगी समझाने जाऊंगा, मेरे पे आ रही है प्रॉब्लम, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सही है ना, हैप्पी बर्थडे नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे अपना कर देगा अगर इसे जल्दी नहीं बुझाया तो। इसके इसका भी पूरा साइंस होता था ना कि क्या। हाँ इसीलिए थोड़ा ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऑल इज इन कंट्रोल। ठीक है तो इसमें देखो सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारा जो नेल पेंट है ना, ये बातें नहीं अबे इतना इम्पोर्टेंट चीज बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल। वो पहले एक बात समझ लो, नेल पेंट जो होता है ना इसके अंदर रहता है एक केमिकल जिसका नाम है एसेटोन। ठीक है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता, फ्लेमेबल रहता है। एसेटोन इज़ वेरी फ्लेमेबल। अगर तुमने मान लो नेल पेंट लगा लिया और चले गए किचन में और अचानक से अगर आग लग गई ना तो आग तुमको लग सकती है पूरी तरह से। बात समझ गया क्या? ठीक है अब ये जो एसेटोन होता है ये कब तक रहेगा फ्लेमेबल, जब तक ये वेट है। मान लो तुमने अभी अभी लगाया तो फ्लेमेबल रहेगा ये, बट जैसे ड्राई हो गया, ड्राई होगा ना तो इसके अंदर जो एसेटोन केमिकल है वो रिलीज हो जाएगा। एसेटोन केमिकल रिलीज हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली इसके अंदर बचेगा ओनली कलर और जो पॉलीमर है वो बचेगा, बाकी सारी चीज़ें निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा कॉशियसली इसको यूज़ करना और देखना छोटे बच्चे से एकदम दूर रखना, क्योंकि ये क्या है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल भी है और ये पॉइजनियस भी है, मतलब अगर अपन इसको खा लिया ना तो जान भी जा सकती है। बात समझ में आई क्या? हाँ तो छोटे बच्चों को देना मत खेलने, ये ले भाई खेल, वो तो मुँह में डालता है सारी चीज़ें। ठीक है ओके।